आपका दोस्त नीरोज शाह, हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट, पर्सनल कोच, गैजेट अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज़। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक गैजेट का अनबॉक्सिंग करने वाले जो कि शाओमी की तरफ से MI Mijia कैमरा है। मैंने जो दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पे कैमरा परचेस किया है, तो दोस्तों ये मेरा पहला गैर है मेरी चैनल के लिए। रिसेंटली मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 101 वीडियोस को कंप्लीट किया है, तो मैंने सोचा था, एक टारगेट रखा था कि भाई 100 वीडियो जिस दिन मेरे कंप्लीट हो उसके बाद जो भी मैं शूटिंग करूंगा, जो भी शूट करूंगा वो एक प्रोफेशनल कैमरे से करूंगा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों Xiaomi का Mijia एक्शन कैमरा परचेस किया है। हालांकि ये दोस्तों एक बजट लेवल का कैमरा है, काफी कॉस्टली भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, मिड रेंज में दोस्तों ये है। अगर GoPro की बात करें दोस्तों काफी कॉस्टली आता है, 17,000 से वो स्टार्ट होता है और 45,000 की रेंज तक जाता है। और Xiaomi Mijia कैमरे की बात करूं दोस्तों तो ये आपको Amazon और Flipkart के ऊपर 12,000 रुपीज में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इस कैमरे को जो है दोस्तों चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट किया है। तो चलिए दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली ये है बॉक्स Xiaomi के Mijia एक्शन 4K कैमरा का, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है मैंने इंपोर्ट किया है चाइना से, शेंजन प्रोविंस से मैंने इसे मंगाया है दोस्तों। ये मुझे तकरीबन पड़ा है 12,000 में विद एक्सेसरीज। अगर इंडिया में दोस्तों यहाँ पे MRP की बात करो तो यहाँ पे इसकी MRP विद एक्सेसरीज थी 18,000 रुपीज। तो मुझे जो है एडिशनल इसके ऊपर 2,000 की कस्टम ड्यूटी भी चार्ज हुए, तो मैंने कस्टम ड्यूटी भी पे की है। तो चलिए दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस निकाल देंगे इस रस्सी को, ये हमने इसे निकाल दिया। बॉक्स के ऊपर दोस्तों पहले देख लेंगे क्या है मेंशन किया हुआ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया कस्टम डिक्लेरेशन एक्शन कैमरा। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू जो है ये लोग ने यहाँ पे रॉन्ग लिखी है, $19 की वैल्यू लिखी, लेकिन ये जो है दोस्तों कस्टम ड्यूटी ना लगे इसके लिए लोग लिखते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम देखने जाए तो ये है 12,000 रुपीज अगर इंडियन करेंसी में हम इसे कन्वर्ट करें तो। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे दोस्तों बॉक्स पर और कुछ है। हाँ, ये दोस्तों कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम ड्यूटी 2695। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने टोटल यहाँ पे किया है 2725, 2700 रुपया दोस्तों मैंने इसकी कस्टम ड्यूटी पे की है। तो चलिए इसे ओपन करेंगे अब। ये जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने जो इसका कंप्लीट पैकेज ऑर्डर किया है, अब हम देखेंगे पैकेज के अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो चलिए दोस्तों इस बबल बैग को निकालते हैं जो कि सेफ्टी के लिए यहाँ पे रहती है, इसे हम साइड में रख देंगे। इसमें और एक बबल बैग है। ओ वाओ, ये दोस्तों हमारा कैमरा का यहाँ पे बॉक्स है, इसे रखते हैं साइड पे। अब ये क्या दिया है अंदर, ओके ये हमारा बैकपैक है दोस्तों, ये भी मैंने ऑर्डर किया था इसके साथ, पूरी एसेसरीज के साथ। ये हमारी बैग और बॉक्स के अंदर देखेंगे क्या है। ओके, ये है उसकी Xiaomi की सेल्फी स्टिक जो कि ये कैमरे को सपोर्ट करती है। तो भाई एकदम प्रीमियम टाइप की जो है सेल्फी स्टिक यहाँ पे हमें मिली है, तो मैं आपको इसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। काफ़ी सारी दोस्तों यहाँ पे मैंने चीज़ मंगाई है इसमें, इसके अंदर पूरा जो है मैंने कंप्लीट सेट यहाँ पे परचेस किया हुआ है। अभी दोस्तों डेफिनेटली फ्यूचर में मेरी जितनी भी वीडियोस बनेगी मैं इसी कैमरे से शूट करने वाला हूँ। भाई GoPro जो है काफ़ी कॉस्टली कैमरा है, 37,000 का कैमरा है, इतना तो भाई हमारा बजट था नहीं, तो हमने सोचा भाई एक क्यों ना एक मिड रेंज का एक कैमरा लिया जाए जिसकी हम जो है जिसको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं सब जगह पे। तो दोस्तों ये मैंने ऑर्डर किया Xiaomi का Mijia। तो चलिए दोस्तों इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले सब चीज़ को साइड पे रख देंगे यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली दोस्तों ये रहा कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों ग्लोबल वेरिएंट है, यानी कि इसमें जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से लेता, जैसे मैंने आपको बताया 12,000 की इसकी प्राइस थी यहाँ पे, तो ये दोस्तों एग्जैक्टली अगर चाइना से आप लेते हो खाली कैमरा तो आपको मिल जाएगा 6,500 में। 50% दोस्तों यहाँ पे फर्क है प्राइस का। स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ये जो है अल्ट्रा HD यानी कि 4K वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। 2 hour की इसकी दोस्तों बैटरी लाइफ है। 2.4 inch का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, और ये जो है 2.4 GHz का इसका वाईफाई कनेक्टिविटी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों जनरली 4K कैमराज एक्शन कैमराज रहेंगे, ये एक एक्शन कैमरा दोस्तों, उसमें जो है एम्ब्रेला का CPU जो है काफ़ी पावरफुल रहता है। तो इसमें दोस्तों एम्ब्रेला का CPU यहाँ पे दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे जो है हमें MI का लोगो मिलता है और यहाँ पे Mi Home का लोगो मिलता है। ये कैमरा जो है दोस्तों Mi ये ऐप से कनेक्ट होता है और हम जो इसे मोबाइल पर भी ऑपरेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों वही स्पेसिफिकेशंस बॉक्स के ऊपर है और कुछ तो खास यहाँ पे है नहीं। पीछे की ओर देखेंगे दोस्तों क्या कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें जो है चाइनीज लैंग्वेज में मेंशन की है। यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे 5 वोल्ट 1 एम्पियर का यहाँ पे चार्जर दिया गया अंदर। यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे 3.2 mm के ड्राइवर्स है और बाकी वाईफाई का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे दोस्तों पैकेज कंटेंट की बात करते हैं, यहाँ पे वो लिखा गया कि भाई शाओमी का एक्शन कैमरा है, डेटा केबल भी है, मॉडल नंबर दिया है, इनपुट दिया है, फोकल लेंथ जो चाइनीज में लिखा है दोस्तों वही यहाँ पे इंग्लिश में आपको मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है इसका बीजिंग में है लेकिन हमने इसे ऑर्डर किया शेंजन प्रोविंस है जो कि चाइना में है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इसके बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो ये इसके बॉक्स को हमने ओपन कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको दिखता है ये शाओमी का मीजी एक्शन कैमरा टीयर 8 बिफोर यूज। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके लेंस के ऊपर से ये व्रैप को निकाल देते हैं। देखेंगे दोस्तों कैमरा जो है एकदम प्रॉपर तरीके से पैक किया गया है। इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। ये मैंने इस कैमरा को बाहर निकाल दिया। पैकिंग काफ़ी बढ़िया है कैमरे की। अब दोस्तों ये है कैमरे की साइज, काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट कैमरा है जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों कितना कॉम्पैक्ट कैमरा है। इसका लेंस जो है दोस्तों ये 16 मेगापिक्सल का लेंस है इसका। ये यूवी फिल्टर और दोनों फिल्टर को यहाँ पे सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके ऊपर आपको मीजा का यहाँ पे लोगो भी मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ओवरव्यू की बात करें, फिजिकल ओवरव्यू अगर हम देखें दोस्तों तो आपको नीचे की ओर यहाँ पे ट्राईपॉड माउंट मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये ट्राईपॉड माउंट है। ये जो दोस्तों उसका बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ से हमें जो है इसकी बैटरी को डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पे पूरा सेट लिया है तो हमें एक बैटरी इसकी एक्स्ट्रा मिली है। ये जो है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये जो स्लाइडर दिया है, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है इसका स्लाइडर है, अगर हम इसे डाउन की तरफ यहाँ पे खींचे तो यहाँ से हमें इसे चार्ज करना था। ये जो है प्रॉपर प्रोटेक्टिव केस की तरह इसे दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिल्ड की बात करें दोस्तों सॉलिड बिल्ड है। वेट की बात करूँ दोस्तों तो मेरे ख्याल से इसका वेट होगा 125 ग्राम्स के आसपास। ये इसके डिस्प्ले है दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस। चलिए दोस्तों इसकी स्क्रीन को ऑन करेंगे, देखते हैं बैटरी है इसमें। पावर बटन को प्रेस करके रखना है हमें। सुपर, ये दोस्तों कैमरा यहाँ पे ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आया है, क्या लिखा हुआ है फोकस करेंगे, लो बैटरी कैमरा विल बी टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। ओके फाइन, ठीक है दोस्तों ये टर्न ऑफ हो गया दोस्तों, इसमें बैटरी नहीं है। लेकिन ठीक है दोस्तों एकदम लाइट वेट कैमरा है और इसकी बॉडी जो है दोस्तों प्लास्टिक की है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया है और ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे मैट फिनिश दी गई है। अभी ये जो है दोस्तों पावर बटन है, ये जो है दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया आपको और ये जो है स्पीकर ग्रिल्स है। तो ओवरऑल देखने जाए दोस्तों तो एक मिड रेंज में काफ़ी अच्छा कैमरा है। अगर किसी को व्लॉगिंग करनी है या बाइक राइडिंग करनी है, स्विमिंग पूल में आपको जो है वीडियोस निकालने हैं आपके स्पोर्ट्स वाले, तो ये कैमरा दोस्तों बेहतरीन कैमरा है, एक मिड रेंज का कैमरा है। आप इससे व्लॉगिंग जो है काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम साइड पर रखेंगे और देखेंगे हमारी एक्सेसरीज की ओर, क्या एक्सेसरीज और क्या क्या मिलती है। तो ये बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया। सबसे पहले हमें मिलता है यूज़र मैनुअल। ओके, तो ये दोस्तों उसका यूज़र मैनुअल है जैसे कि आप देख सकते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में है, अंदर इंग्लिश भी मेंशन है, अच्छी बात है। यूज़र मैनुअल दोस्तों हम बाद में चेक कर लेंगे कैसे इसे ऑपरेट करना है, मुझे भी दोस्तों सीखना पड़ेगा, मुझे एक्जैक्टली आता नहीं ऑपरेट करना, थोड़ा बहुत फंक्शंस मुझे इसके बारे में थोड़े बहुत फंक्शंस मालूम है, इसे भी साइड पे रखेंगे। ये दोस्तों हमने इसकी एक्स्ट्रा बैटरी ऑर्डर की है कि भाई इमरजेंसी अगर आए, कभी मुझे इमरजेंसी में शूट करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं साइड पर रख दूंगा। ये जो है दोस्तों इसका चार्जिंग केबल है। चार्जिंग का आउटपुट दोस्तों 5 वोल्ट 1 एम्पीयर यानी कि ये जो है बेसिकली एक 5 वाट की चार्जिंग को यहाँ पे सपोर्ट करता है। एकदम नॉर्मल सा चार्जर है, कुछ यहाँ पे खास नहीं है। तो ठीक है, माइक्रो यूएसबी 2 पिन आपको इसमें मिलती है, तो यानी कि मैं अपने नॉर्मल चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकता। तो ये दोस्तों हो गया यहाँ पे, ये हो गया इसका बॉक्स के कंटेंट। अब हम बात करेंगे हमारी सेल्फी स्टिक की जो हमने इसके साथ ऑर्डर किया है। ये जो है दोस्तों बेसिकली इसी कैमरे के साथ सपोर्ट करती है, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। अगर ये मैं जो है दोस्तों इंडिया में परचेस करने जाऊँ तो इसकी कीमत तकरीबन रहेगी 2000 के आसपास, लेकिन ये हमने चाइना से पूरे पैकेज को ही साथ में ऑर्डर कर दिया। चलिए इसको भी ओपन करेंगे। भाई क्वालिटी की बात माननी पड़ेगी, क्वालिटी बढ़िया है भाई। ये हमने सील को ओपन कर दिया। दोस्तों इससे मैंने ऑर्डर किया था 28 अप्रैल को और ये मुझे मिला है यहाँ पे 23 मई को, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीने के ऊपर यहाँ पे दोस्तों टाइम लेता है चाइना से इंपोर्ट होने में।
यहाँ पे प्रॉब्लम दोस्तों इंडियन कस्टम्स का, इंडियन कस्टम में ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों काफ़ी टाइम तक यहाँ पे हेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मैंने इसके बॉक्स ओपन कर दिया, कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका लुक आता है। तो चलिए दोस्तों इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी है। तो दोस्तों ये जो इसका प्लास्टिक है यहाँ पे ब्लूटूथ जो है दोस्तों यहाँ पे आपको रखना है इसका, और आप इसे जो है इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों ट्राइपॉड माउंट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मुझे क्वालिटी इसकी इनिशियली काफ़ी अच्छी लगी, ओवरऑल अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। और बॉक्स में देखेंगे क्या है, माइट बी और दिया रहेगा एक्सेसरीज चार्जर वगैरह। ओके तो ये दोस्तों हमें ब्लूटूथ डिवाइस भी इसका मिलता है भाई, काफ़ी छोटा है ब्लूटूथ डिवाइस, इसे निकाल देंगे दोस्तों। वाओ दैट्स नाइस दोस्तों, ये आप ब्लूटूथ हमें इसे कनेक्ट करना है और यहाँ पे जो है हमें इसे फिट कर देना है। तो इसे फिट करने के बाद जो है दोस्तों हम डायरेक्टली अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट करके वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर फिट हो गया दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है, एकदम हैंडी है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो इसे साइड में रखेंगे दोस्तों, सेल्फी स्टिक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमें यहाँ पे मिली है। अब हम देखेंगे दोस्तों फाइनली इस बड़े से बैग की ओर। ये बैग के अंदर दोस्तों इस कैमरे की वाटरप्रूफिंग एसेसरीज भी यहाँ पे दी जाती है। इसमें दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, अगर आपको सिंपली कैमरा लेना है तो 6,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, अगर आपको पूरी एसेसरीज परचेस करनी तो ये जो आपको 12,000 में मिल जाएगी। तो मैंने जो है दोस्तों पूरी एसेसरीज के साथ ही इसे परचेस किया है। तो चलो इसे ओपन करेंगे, वाओ दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों ये है इस कैमरे का कवर, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या बारिश है तो हम जो है इस कैमरे को अंदर कवर में फिट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये जो है दोस्तों इसका वाटरप्रूफिंग केस है, अगर हम स्विमिंग पूल में अगर चाहे इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ यहाँ पे केस हमें प्रोवाइड होता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिखता है, दैट्स नाइस। पैकिंग भी काफ़ी बढ़िया है इसकी। और ये जो है दोस्तों इसका एक्स्ट्रा चार्जर है, हम जो है दोस्तों इसको इस तरीके से भी कुछ चार्ज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है कैमरे के अंदर से इसको चार्ज करना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दो बैटरीज को डालना है और हम इसे चार्ज कर सकते हैं इजीली, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमें USB केबल भी मिल जाती है चार्जर के लिए, वाओ इट्स ग्रेट भाई। एक्सेसरीज काफ़ी सारी है इसमें दोस्तों, डेफिनेटली मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है यहाँ पे पूरा जो है इसका एक्सेसरीज के साथ ही इसे परचेस कीजिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा भाई। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केबल आपको मिलता है। तो दोस्तों बेसिकली यही सब था यहाँ पे, ये यह हमारा कैमरा हो गया, ये हमारी सेल्फी स्टिक हो गई, और ये जो है दोस्तों पूरा इसका पैकेज हो गया। ये पूरी दोस्तों यहाँ पे टोटल कॉस्ट है कैमरे की 6,000 रुपीज़। अगर इसकी एक्सेसरीज की बात करूँ तो ये पूरा मुझे मिला है कंप्लीट पैकेज 12,000 रुपीज़ में, और एडिशनल मैंने जो इसके ऊपर 2,700 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी पे की, और ये मुझे पड़ा है 14,500 में। अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर इंडिया में मैं इसे लेने जाऊँ फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो ये पूरी एक्सेसरीज मुझको 21,000 में विद कैमरे के साथ मिल सकती थी, लेकिन मैंने इसे इम्पोर्ट किया, एक महीना लगा दोस्तों चाइना से आने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे मुझे तकरीबन कहो तो 7,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी डील बनती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग Xiaomi Mi Jia कैमरे की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो आपके लिए ऐसी अनबॉक्सिंग्स लाते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।